क्या हुआ ठाकुर साहब? ये जो अस्पताल है, यहाँ मेरा बेटा कुंवर दाखिल है, क्या मैं अपने बेटे से एक 5 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? ठाकुर साहब, हम ये फैसला खुद नहीं ले सकते, इसके लिए मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। तो फिर एसपी साहब से फोन लगाइए और हमसे बात करवाइए। जी। जय हिंद सर। सर, ठाकुर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। नमस्कार एसपी साहब, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। गोली तो निकाल ली गई है, लेकिन कुंवर साहब को अब तक होश नहीं आया भौजी। मुझे उसके पास ले चलो। इंस्पेक्टर, हथकड़ी खोलो। गोली मार के तमाशा देखने आए हो? बाप बेटे का रिश्ता खत्म। कोई जरूरत नहीं है हमसे या हमारे पति से मिलने की। बड़ी बहू, ये क्या कह रही हो? हमारे पति के दुश्मन का इतना ख्याल है तो जाओ उन्हीं के पास रहो। हमें किसी की जरूरत ना है, हम अकेले जसोदा जी संभाल लेंगे कुंवर साहब को। ऐसे वक्त जब हमारा बेटा मौत और जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा मत कहो। फैसला कर लो अम्मा, या हमारे पति के साथ रहोगी या अपने पति के साथ। तो भूल ही गए थे कि इनका घर तो अब जेल है। रहोगे इनके साथ? भिजवा दें तुम्हें भी। हम अपने बेटे के साथ सिर्फ 5 मिनट गुजारना चाहते हैं।
हमने एसपी साहब से परमिशन ली है। हम नहीं जानते कोई परमिशन, हम ना देंगे आपको कोई परमिशन। बस बहु थोड़ी देर के लिए मान जाइए ना भाभी, प्लीज प्लीज भाभी। ए, ज्यादा अंग्रेजी में मत बड़बड़ा, नहीं तो निकाल के बाहर फेंक देंगे तुझे। तूने भी हमारे कुंवर साहब का हाथ पकड़ा था ना, बड़े बेशरम हैं आप लोग। अरे बाहर जाने के लिए मुनादी पिटवाए का। चलिए बहुत चलो, चलिए यहां से। प्रार्थना भगवान जी जरूर सुनते हैं ना, यही प्रार्थना कीजिए कि कुंवर साहब को जल्द से जल्द खुश आ जाए। भगवान पर मुझे पूरा विश्वास है, उसके अंदर जो राक्षस था उसका अंत हुआ है, उसका नहीं। अब तुम घर के बड़े हो, जब तक कुंवर ठीक नहीं होता है सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। घर को संभालो, अपने आप को संभालो, सब को संभालो, अपनी बहन का ख्याल रखो। वो घर में अकेली है, न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छी बात ना आया, जब से हम ब्याह के आए तब से हमने आपको कभी तक खामोश नहीं देखा। कुछ बोलिए ना कुंवर साहब। कुंवर साहब हम जीत गए, रीत की बच्ची को मंत्री जी के घर पहुंचवा दिया। बाबूजी ने भले ही आपको गोली मारी लेकिन वो हार गए। हंसी ना अपनी वाली हंसी, क्योंकि अब ठाकुर साहब तो रोएंगे, रीत तो रो भी ना पाएगी। और साहब हंसी ना ताकि कूदिए ना कुंवर साहब। डॉक्टर ने कुंवर साहब को कल तक होश नहीं आए तो चले जाएंगे।
उनकी दिमाग की नस पर असर पड़ा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप बस हिम्मत मत हारना। कुंवर साहब यहाँ है, बाबूजी वहां है, अम्मा दो घंटे से भगवान जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी है, हिल भी नहीं रही है। किसको संभालूं, क्या करूं? भाभी आप अपने आप को संभालिए, मैं अम्मा को संभालता हूं। आपकी ये हाल की जिम्मेदार रीत है, अब हम उसे एक पल भी चैन से न जीने देंगे। जितने दिन आप अस्पताल में हैं, उतने दिन हम रीत की जिंदगी में ऐसा जहर घोलेंगे कि वो आपसे भी ज्यादा तड़पेगी। ठाकुर साहब, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ ठाकुर वीर प्रताप सिंह बनकर नहीं आया हूं, मैं यहाँ एक आम बाप बनकर आया हूं जिसने अपने ही बेटे पे गोली चलाई है। इसलिए मेरी जगह ये नहीं है, वो है। ठाकुर साहब, गोली आपने जरूर चलाई लेकिन अपनी बेटी की रक्षा के लिए, और वैसे भी शुरुआत तो कुंवर साहब ने की थी ना। देखिए, सवाल कानूनी दांव पेच का नहीं है, सवाल है जिंदगी की उलझनों का। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कौन सा बाप होगा जो खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को जेल भिजवाएगा, और वो भी उस बेटे को जो इस वक्त वहां अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। एक गोली ने मेरा पूरा परिवार बिखर दिया, सब अलग हो गए। बेटा वहां अस्पताल में मौत से लड़ रहा है, दामाद यहाँ मेरे साथ पुलिस थाने में है, बेटी का पता नहीं क्या हाल होगा, उसमें क्या गुजर रही होगी। बहन आपको ऐसे नहीं जाने देगी, आज तो आपको दुआ चिकाई का नेक देना होगा। आज जो मांगने मांग मून, आज हम बहुत खुश हैं। आज पहली बार रीत जी ने इस घर पे दर्शन दिए, आज सब कुछ लौटा देंगे आज इन पर। अरे जरा हम भी देख ले भीषण की दुल्हन कैसी दिखती है। ये हमारी बड़ी जीजी कावेरी और ये हमारी छोटी बहन मून, दोनों हमसे नेक मांग रहे हैं, पर हमने तो कह दिया
कि हम सब कुछ लुटा देंगे आप पर। अब आप ही बताएं, हम इन्हें क्या दें? आज तक हमसे तो कुछ पूछा नहीं, हमेशा अपने मन का किया, और इनके तो आप अभी से गुलाम हो गए। क्या हो रहा है ये सब? उठा रहा है हा? इस शर्म लिहाज नहीं है। इस तरह सरेआम घूंघट गिराकर झल्लन चाची के घर में आएगी? तू बगुले की तरह गर्दन उठाकर का देख रही है मुझे? अभी सबके सामने चप्पल उतार के खींच के मारू मुंह पे? हाँ, समझी? तेरे बाप ने कुछ सिखाया विखाया नहीं का? फूट की तरह खड़ी का है पांव पर मेरे। माँ जी, आप हमें चाहे जो बोल लीजिए, पर हमारे बाबूजी को कुछ मत बोलिए। भीसम, किस बदतमीज को ब्याह के लिए आया है? आई झल्लन चाची के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ना होती, और ये हमें सिखाए चलिए कि का बोले और का ना बोले। अब तो उठने बैठने, पहनने ओढ़ने और सोए जागने की तमीज भी इसे झल्लन चाची सिखाएगी। हाँ